भारत माता की जय। भारत माता की। किंतु मम आदरणीय घनश्याम हमारे देश के किसान मोर्चा के मंत्री आदरणीय परम साहू जी भी आप आदरणीय आदरणीय सहित अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती रश्मि सिंह जी आदरणीय राजेंद्र गहरी जी महिला मुस्लिम जी ग्राम पंचायत मोक्षा के पंच आदरणीय श्रीमती सैल भोई जी ग्राम पंचायत के कार्यवाहक करने के लिए सागर मंत्री शहीद दीपक उपाध्याय की यहाँ पे एक प्रतिमा अनावरण हुआ। यह प्रतिमा हम सबको याद दिलाएगा कि मोक्षा गांव में एक शहीद यहाँ पर पैदा हुआ था और जिसने नक्सलाइडों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी। मोक्षा में आने वाला जो पीढ़ी है वह सब इस बात को याद रखेगा कि इस गांव में लड़ने वाले लोग पैदा हुए थे और देश के लिए प्रदेश के लिए कुर्बानी देने वाले लोग यहाँ पर पैदा हुए थे। आने वाले समय में ग्राम पंचायत को क्षेत्र को हमेशा यह प्रतिमा प्रेरणा देगा कि हम सब भी दीपक उपाध्याय की तरह हम एक अच्छे नागरिक बने देशभक्त नागरिक बने और देश के लिए कभी मौका लगे तो कुर्बान देने के लिए भी हम तैयार रहें। यह सब हमको प्रेरणा देगा। आज इस ग्राम पंचायत को मैं कलेक्टर साहब से भी अनुरोध करूंगा बहुत बहुत ग्राम घोषित करने के लिए पहल करेंगे। शहीद दीपक उपाध्याय तो हमारे पुलिस विभाग भाग से ही है अध्ययन ही बोल रहा हूँ और है बोल रहा हूँ क्योंकि जो शहीद होता है वो अमर रहता है। अमर शहीद होते हैं अमर जवान ज्योति अमर शहीद और आज उनकी प्रतिमा इस भावना के साथ ये और सुप्रसिद्ध रूप से ये एहसास हो गया है कि मोक्का गांव गांव में ऐसा एक वीर सिपाही ने जन्म लिया था जिसने जीरम घाटी में अपनी सर्वोच्च ड्यूटी करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कहते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है जातक से हूँ जीव मृत्यु मृत्यु निश्चित है जो जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है लेकिन अपने देश के लिए लड़ते हुए शहीद होना वो किसी किसी के भाग्य में होता है। तो शहीद दीपक उपाध्याय ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हमारे बीच श्री उद्बोधन श्री दीपक उपाध्याय जी के परिवार को प्रणाम करके मैं करना चाहूंगा कि उन्होंने इतने वीर सुपुत्र को इस दुनिया में लाया जिसके कारण आज हमारा देश में इतनी आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने वीर गति को प्राप्त हुए हैं और अपने देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया है। तो हम सर्वप्रथम पूरे परिवार को हम लोग प्रणाम करते हैं कि ऐसा परिवार जिसके सुपुत्र ने जो सर्वोच्च बलिदान होता है वो अपने देश के लिए दिया। मेरे सामने सब बच्चे बैठे हैं मैं उन बच्चों को बोलूंगा ये प्रतिमा आप लोगों के लिए एक दीपक के रूप में रोज एक चीज ध्यान में लाए कि देश सबसे पहले उसके बाद हम यही दीपक उपाध्याय ने अपने बलिदान के साथ दिखाया। अपनी शहादत भी उनकी शहादत के कारण कई जीवन बचे कई लोग जीवित रूप से उस घटना से लौट के आए। तो ऐसे ही हमारे वीर जवानों की शहादत के कारण कई लोग जो आए हैं जीवित रूप से उस घटना के बाद तो उन्हीं लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं केवल ये कहना चाहूंगा ज्यादा लंबा उद्बोधन नहीं देना चाहूंगा केवल ये कहना चाहूंगा कि इनको इस गांव का हर बच्चा और हर व्यक्ति याद रखे न केवल इस गांव का परंतु इस जिले का इस प्रदेश का हर व्यक्ति याद रखेगा। तो इसके रूप में हमारे बीच में इधर गुरुजी लोग बैठे हैं टीचर्स बैठे हैं मुझे दिख रहा है मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि सरपंच जी भी बैठे हैं कि हर इस पंचायत की जितनी भी स्कूल है या ग्राम पंचायत भवन है
उधर इनका एक फोटोग्राफ और इनके जीवन चरित्र पे थोड़ा सा एक पूरी जानकारी लिखी रहनी चाहिए कि जब भी कोई इस गांव में आता है, चाहे पंचायत भवन निरीक्षण में आता है या स्कूल में आता है, स्कूल के बच्चे आते हैं, ये एक महत्वपूर्ण सड़क पे इनके ये चौक का अनावरण किया गया है। मैं इधर के पंचायत का साधुवाद व्यक्त करता हूँ। इनके द्वारा बहुत ही अभिनव पहल की गई है। इधर के पंचायत सरपंच जी सभी इधर के पंचगण और